हेलो बच्चों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स अड्डा में। बच्चों आज हम कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात करेंगे। वो मुद्दे क्या हैं, किस चीज़ के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, वो आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा। सबसे पहली बात बच्चों कि आप हमारा चैनल क्यों देखते हो, आप हमारे ऊपर ट्रस्ट क्यों करते हो, या आपको क्यों ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स अड्डा पर आपको ये सारी खबरें ऑथेंटिक मिलेंगी या आपको देखनी चाहिए। ऑब्वियसली 1.5 साल हुआ और हमने ये चैनल शुरू किया, 70,000 के करीब बच्चे हमसे जुड़े हैं और आपका प्यार हमको अक्सर इस चैनल पर खींच लाता है। हमारा आपका जो रिलेशनशिप है ना बच्चों, वो कहीं एक दर्शक और एक यूट्यूबर से बढ़ करके है। मैं बार बार ये फील करता हूँ कि आप मेरे उन्हीं बच्चों के समान हो जिनको मैं क्लास में बैठा के पढ़ाता हूँ। जिस तरीके से वो हमारे शिष्य हैं, मैं उनका गुरु हूँ, उसी तरीके से मैं आपको मानता हूँ। भले ही वर्चुअल तरीके से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हों, ऑनलाइन तरीके से आप मुझे देखते हो, बहुत सारी बातें हैं जो आप मेरे बारे में नहीं जानते हो और ना मैंने कभी इसका जिक्र करना उचित समझा, क्योंकि उसका आपके जीवन से कोई भी लेना देना नहीं है। बच्चों मैं सीधे मुद्दे पे आता हूँ और मुद्दा है CBSE कंपार्टमेंट एग्ज़ाम का। या यूँ कहो कि आप सभी को पता है कि मैं CBSE से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट आपको देता आया हूँ, और कहीं ना कहीं आपका भी इस चैनल पर आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको उन अपडेट्स के बारे में, उन सूचनाओं के बारे में सही सही पता चल सके जो आप जानना चाहते हो। तो बहुत ही सीधे सरल तरीके से मैं आपसे बताऊँगा कि अभी हम पिछले 4-5 महीनों की जर्नी पर नज़र डालें, जब से एग्ज़ाम होना शुरू हुआ, पेपर कैसा आएगा, ये सारी अपडेट्स हमने दी आपको, आपने विश्वास किया, आप हमसे जुड़े रहे। उसी बीच में कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद में एक गैंग सक्रिय हुआ एग्ज़ाम कैंसिल करवाने को लेकर के। बच्चों इस दुनिया में कोई नहीं होगा जिसको अपने स्वास्थ्य की, अपने परिवार के स्वास्थ्य की, अपने रिलेशनशिप में सभी लोगों के स्वास्थ्य की चिंता ना हो। हर कोई ये चाहता है कि हमारे बच्चे हैं या कोई भी हमारे परिवार का सदस्य है, वो किसी न किसी तरीके से इस कोरोना महामारी से बचा रहे। हमने स्कूल बंद कर दिए, बच्चों को बुलाना बंद कर दिया, लोगों ने कोचिंग बंद कर दी, ट्यूशन बंद कर दिया, और आप दूर हो अपने शिक्षकों से, हम दूर हैं अपने बच्चों से। इस बीच में जब आपका एग्ज़ाम होना हुआ तो मैंने आपसे बताया कि बच्चों एग्ज़ाम कैंसिल हो सकता है, लेकिन सभी लोगों को जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे यूट्यूबर्स थे, बड़े बड़े लोग थे, बहुत लंबी चौड़ी फेंकने वाले लोग थे, उन लोगों ने कहा कि सबको जनरल प्रमोशन मिलेगा, सभी लोग पास हो जाएंगे। एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो भी पास होंगे, नहीं दिया है वो भी पास होंगे, और सबके अच्छे अच्छे नंबर आएंगे, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो 90% से ज़्यादा आएंगे। बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें की गई। मैंने उस टाइम भी आपसे कहा कि बच्चों ऐसा कुछ नहीं होगा, जिन्होंने कॉपी में कुछ नहीं लिखा है वो फेल हो जाएंगे, क्योंकि मुझे अंदर से खबर मिल रही थी। जिन लोगों ने कॉपी चेक करी उन लोगों ने बताया था कि कितने बच्चे फेल हो रहे हैं, उस टाइम पर आपकी गालियाँ मिली। अच्छा अब गाली देना बहुत आसान हो गया है, आपको लगता है ये हमारे टीचर तो हैं नहीं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, मतलब बहुत उटांग पटांग भाषा में गालियाँ मिली। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, मैं आपका कुछ नहीं हूँ तो आप गालियाँ दे लो। कुछ दिन बीता, रिजल्ट आया और 2 लाख बच्चों का कंपार्टमेंट आ गया, बच्चे फेल हो गए। तब उन बच्चों को जो फेल हुए उनको ये इस बात का एहसास हुआ कि अरे इन्होंने तो झूठ बोला था कि सभी बच्चे पास होंगे, फिर यही बच्चे जा करके उनको गाली दिए। अब फिर क्या हुआ, फिर उन लोगों ने उनको एक नई आशा की किरण दिखाई कि परेशान ना हो, हम एग्ज़ाम आपका कैंसिल करवा देंगे, मुझे गाली मत दो, मैं ट्वीट कर रहा हूँ, शिक्षा मंत्री से मेरी अच्छी खासी पकड़ है, और आप लोग मुझे फॉलो करो, मैं एग्ज़ाम कैंसिल करवा दूंगा, परेशान ना हो, और जब एग्ज़ाम कैंसिल होगा तो आप सभी लोग अच्छे अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। फिर बच्चे भोले भाले लग गए पीछे, हाँ सर कैंसिल करवा देंगे। 13 जुलाई को रिजल्ट आया, उसके बाद में बच्चों का गैंग सक्रिय हुआ, यूट्यूबर्स का गैंग सक्रिय हुआ, सभी लोगों ने प्रयास करना शुरू कर दिया एग्ज़ाम कैंसिल करवाने का।
मैं इससे दूर रहा। बच्चों ने कई बार मुझसे पूछा, सर आप ट्वीट नहीं कर रहे हो। हमने कहा कि ठीक है, मैं समय आने पर इसका कारण बताऊंगा कि ट्वीट क्यों नहीं कर रहा। टाइम बीता, बच्चे कहते रहे कि एग्ज़ाम कैंसिल होगा। मैं बार बार वीडियो बना के आपसे बताता रहा कि बच्चों एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हो रहा है, CBSE ने ये प्लान किया है कि वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम करवाएगी, देर में होगा लेकिन होगा ज़रूर। बच्चे गालियाँ देते रहे और उनकी वाहवाही करते रहे, सर आप ही हो जो हमारे बारे में सोचते हो, मेरे जीने मरने के बारे में सोचते हो, चाहते हो कि इनको कोरोना ना हो। और गवर्नमेंट एग्ज़ाम सड्डा वाले सर हैं, वो तो चाहते हैं इनका एग्ज़ाम हो जाए, मेरा कोर्स बिक जाए और ये सब भाड़ में जाए, मुझसे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने भी कहा, अरे वो बिहारी है, बेवकूफ़ है, ये है वो है, उसको सिर्फ अपना है, मतलब मेरे बदले में बिहार वालों को जम के उन्होंने गाली दे दिया, जबकि ना बिहार वाले इन्वॉल्व हैं ना मैं बिहारी हूँ। फिर भी क्या हुआ बच्चों, CBSE ने कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की नोटिस दे दी, नोटिस आ गया। आपने नोटिस देखा, फिर से इन बच्चों ने उनको गाली दी, तो उन्होंने कहा, अरे अभी शांत रहो, हम कैंसिल करवाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में चलेंगे। बच्चों को फिर लगा, अरे वाह सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं सर हमारी तरफ से, या फिर से ट्वीट का सिलसिला शुरू हुआ, बच्चे ट्वीट करने लगे। फिर से हमने कहा कि बच्चों अभी भी पढ़ लो, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की नोटिस आई है, CBSE कंपार्टमेंट एग्ज़ाम करवाएगी और वो निश्चित रूप से कराएगी। बच्चों ने फिर से गाली दी, बहुत सारी गालियाँ दी, और बहुत सारी गालियाँ मैं खा के बैठा हूँ, अब तो आपकी गालियों का कोई असर नहीं पड़ता हमारे ऊपर। फिर से बच्चों ने गाली दी, फिर भी मैं सच बोलता रहा, क्योंकि जो मुझे अंदर की खबर मिल रही थी मैं वो आपको बता रहा था। आप मुझसे प्रेडिक्शन पूछ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कैंसिल होगा या नहीं कैंसिल होगा, मैं कोई प्रिडिक्शन नहीं कर रहा था, बस मैं ये कह रहा था कि जो सूचना मुझे CBSE से मिलेगी वो मैं आपको बता दूंगा। लोग प्रिडिक्शन कर रहे थे कैंसिल होगा, 100% कैंसिल होगा, आज तक तो नहीं कैंसिल हुआ। फिर क्या हुआ, नोटिफिकेशन आई, कुछ बच्चे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने के बाद में ये हो गया कि पक्का कैंसिल होगा, वाहवाही हो रही थी यूट्यूबर्स की, सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे थे। उन लोगों ने क्या किया, बच्चों को इकट्ठा किया, अपने ट्वीट्स बढ़वाए, अपने फॉलोअर बढ़ाए, सब्सक्राइबर्स बढ़वाए। फिर से CBSE को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि जो निर्णय लेना है जल्दी से लेके बता दो, रिप्रेजेंटेशन लो, रिप्रेजेंटेशन पर निर्णय ले लो। जब ये काम हुआ तो सब ने वीडियो बनाया कि अब तो CBSE का पाला ख़त्म हो गया, सुपड़ा साफ हो गया, एग्ज़ाम कैंसिल होगा। मैंने तब भी कहा कि अभी भी CBSE की प्लानिंग है एग्ज़ाम करवाने की और वो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करने जा रही। फिर से बच्चों ने गाली दी, मैंने उसको भी सहा। मैं बार बार कहता रहा CBSE रिप्रेजेंटेशन पे विचार कर रही है बट वो एग्ज़ाम कैंसिल नहीं करेगी। बहुत सारी गालियाँ पड़ी, आप हमारा चैनल उठा के देख लो, तालियाँ कम मिली हैं आपसे, गालियाँ ज़्यादा मिली हैं, फिर भी मैंने आपकी भलाई के लिए सोचा है। कुछ दिन के बाद नोटिस आई, CBSE ने साफ साफ नोटिस निकाला कि मैं रिप्रेजेंटेशन को खारिज करता हूँ, CBSE एग्ज़ाम करवाएगी, इन रिप्रेजेंटेशंस में कुछ नहीं रखा है। फिर से बच्चों ने उनको गाली दी कि अरे तुम तो कह रहे थे कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं हुआ। फिर से उन्होंने कहा, अरे नहीं अब हम सुप्रीम कोर्ट फिर से जाएंगे। फिर से सुप्रीम कोर्ट का खेल चालू हुआ। अभी भी बच्चे मुझसे पूछते हैं सर एग्ज़ाम कैंसिल होगा। मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ बेटा, मैं चाहता हूँ कि जो आप चाहते हो वही हो जाए। आप चाहते हो कि आपको एग्ज़ाम देने ना जाना पड़े, आप मत जाओ, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाए, CBSE सबको पास कर दे। मैंने कई वीडियो जिस पर बनाए हैं, जब बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, तेलंगाना का कैंसिल हुआ, इन लोगों ने पास किया बच्चों को, जनरल प्रमोशन कर दिया। मैंने तब कहा कि CBSE से हमारी मांग है कि सभी बच्चों को बिना एग्ज़ाम दिए प्रमोट कर देना चाहिए जनरली, क्योंकि इस टाइम में एग्ज़ाम करवा पाना संभव नहीं है। लेकिन मेरी क्या बिसात है, जब इतने बड़े बड़े यूट्यूबर्स, इतनी बड़ी संख्या में बच्चे ट्वीट कर रहे हैं, 1.5 महीने से ट्वीट कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, तो मेरे ट्वीट करने से क्या होगा। तो मैंने ट्वीट करने का नाटक कभी नहीं किया, आप कर रहे हो, मैं उसको नाटक नहीं करता कहता, आप कर रहे हो, आपका प्रयास सफल हो, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। फिर से बच्चे सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, फिर से लोगों को उम्मीद है एग्ज़ाम कैंसिल होने की। बच्चों क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा, ना तो मैं जानता हूँ, ना आपके ये यूट्यूबर्स जानते हैं, खुद CBSE को भी नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा क्या करेगा। सुप्रीम कोर्ट है, मैंने पहले भी कहा था कि अगर इस
पूरे इंडिया में कोई एग्ज़ाम कैंसिल कर सकता है, तो तीन लोग हैं, सीबीएसई, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जिसको आप एमएचआरडी के नाम से जानते हो, और तीसरा है सुप्रीम कोर्ट। इन तीन के अलावा कोई कुछ भी कर ले, एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होने वाला। एमएचआरडी और सीबीएसई ने मना कर दिया एग्ज़ाम कैंसिल करने से, सुप्रीम कोर्ट में बच्चे गए हैं, उम्मीद ढेर सारी है कि परीक्षा कैंसिल हो जाएगी। लेकिन बच्चों, जब तक एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तब तक आप क्या करोगे? तब तक उसको कैंसिल मान सकते हो? अगर अपने मन, आपका मन गवारा करता है कि तब तक एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, मान लो कि सीबीएसई को लास्ट टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि एग्ज़ाम करवा लो, उस टाइम पे तो आप कहीं के नहीं बचोगे बच्चों। आप तैयारी नहीं कर रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, एग्ज़ाम कैंसिल करवाने के चक्कर में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। सितंबर लास्ट में परीक्षा होनी है कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की। बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर परीक्षा होके होगा क्या, जब हमारा एडमिशन ही कहीं नहीं हो पाएगा अक्टूबर में। तो मैं भी मानता हूँ कि अक्टूबर में अगर आपका रिजल्ट आया तो निश्चित रूप से बहुत सारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाएगा, और अगर होगा भी तो बड़ी मशक्क़त से होगा। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप क्या कर सकते हो, ना आपके स्कूल वाले कुछ कर सकते हैं। तो ये चीज़ें सीबीएसई को सोचनी है और उसी को डिसाइड करना है। उसको जो अच्छा लग रहा है वो कर रही है। हमारा काम क्या है, जो सीबीएसई के अंदर की खबर हो, जो होने वाला है या जो हो रहा है, मैं आप तक पहुंचाऊं। बहुत सारी बातें मुझे पता हैं, लेकिन मैं इस डर से आपके सामने नहीं कह रहा हूं, क्योंकि बच्चे कहेंगे मुझे डीमोटिवेट कर रहे हो। मैं अपने कोर्स की वीडियो डालता हूं कि बच्चों, जिनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, टीचर नहीं है, अनलॉक नहीं है, कोचिंग बंद है, बहुत से बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है, तो जिनको गाइडेंस की ज़रूरत हो, जिनको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो, वो हमारा कोर्स ज्वाइन कर लें। आप लोग कहते हो सर आप एग्ज़ाम करवाना चाह रहे हो, मुझे डीमोटिवेट। अरे मैं डीमोटिवेट कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो उन बच्चों को कह रहा हूँ जिनको हेल्प करने वाला कोई नहीं है, कि आप हमारा कोर्स ज्वाइन करना चाहो तो कर लो, नहीं ज्वाइन करना है तो भी मैं कुछ वीडियोस लेकर के आऊँगा, हर सब्जेक्ट की एक वीडियो। जैसे ही डेट कन्फर्म होती है आपके एग्ज़ाम्स की, तो सब्जेक्ट वाइज वीडियोस हमारी आएंगी, और मैं सभी लोगों की हेल्प करूंगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं आपको पर्सनली करूंगा, हमारी टीम वाले आपको पर्सनल सपोर्ट देंगे, आपसे बात करेंगे, हर एक समस्या छोटी बड़ी सब सुनेंगे और उसको हल करेंगे। आप नहीं करते हो तो वीडियोस तो हमारी आपके लिए ऑलरेडी आएंगी ही, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि जो नहीं खरीदेगा, जो खरीदेगा उसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। आप नहीं खरीदोगे तो यूट्यूब के माध्यम से तो पूरी हेल्प हम करेंगे ही करेंगे। रही बात, अभी भी आप मुझसे पूछते हो सर एग्ज़ाम कैंसिल होगा, तो मैं क्या प्रेडिक्ट कर दूं बेटा? सीबीएसई की पूरी प्लानिंग है, सेंटर की लिस्ट तैयार हो रही है, एग्जामिनेशन मटेरियल तैयार हो रहा है, एग्ज़ाम डेट्स लगभग कंफर्म हो गई हैं, एक दो मीटिंग होना है उसमें सारी चीज़ें कन्फर्म हो जाएंगी, अगले वीक में हो सकता है आपको डेट भी पता चल जाए। तो जो चीज़ें मुझे पता हैं वो चीज़ें तो मैं जानता हूँ ना। आप सुप्रीम कोर्ट की प्रेडिक्शन पूछना चाहते हो कि सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, तो ये तो आपके एडवोकेट को भी नहीं पता है कि वो क्या करेगी। आप बार बार सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, ठीक है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, मांग करना और आवाज़ उठाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके भरोसे बैठना अच्छी बात नहीं है। किसी के भरोसे बैठो और आपका एग्ज़ाम ख़राब हो जाए, आप ठीक से पढ़ ना पाओ, इसमें आपका नुकसान है बच्चों। मैं सलाह दूंगा कि जब तक एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता है तब तक ये मत मानना कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, आपका इसमें नुकसान है। बाकी पढ़ना आपको है, कम समय बचा हुआ है, अगर पढ़ लोगे तो अगले साल आप दूसरे क्लास में होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो फिर बच्चों आप तो हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं। हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएँ। हमारी व्यूज़ को, हमारे विचारों को इतनी देर आपने सुना, ये आपका प्यार है और इसी प्यार का मैं आकांक्षी हूँ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपका प्यार यूं ही मिलता रहेगा और हम आपको ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।